सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई द केरला स्टोरी को। मूवी में बहुत सारा पार्ट ऐसा भी है जिसे मैंने इग्नोर किया है और सिर्फ स्टोरी लाइन में भी फोकस किया है। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ कंसिडर डूइंग सो। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पूरी कहानी तीन टाइमलाइन पे चलेगी। टाइमलाइन वन जहाँ पे प्रेजेंट में शालिनी अपनी पूरी स्टोरी बता रही है और टाइमलाइन टू और थ्री पास्ट की है। मूवी की शुरुआत में हमें केरला को दिखाया जाता है, फिर हमें शालिनी को दिखाया जाता है जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो भी नॉर्मल लड़कियों की तरह हंसती खेलती और लाइफ को एंजॉय कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि दरअसल शालिनी नर्सिंग करने के लिए केरला के ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है और शायद ये उसका और उसकी फैमिली का सबसे बुरा डिसीजन था। ऐसा क्यों वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। कॉलेज में एंटर करते ही शालिनी को नेगेटिविटी का एहसास होने लगा था। यहाँ दीवारों पे कुछ ऐसे आर्ट थे जो वहाँ नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद शालिनी अपने नए हॉस्टल रूम में आती है और उसके रूम में उसके अलावा और तीन लड़कियाँ भी रहेंगी जिनका नाम था नीमा, गीतांजलि और आसिफा। फिर ये सब रेडी होके अपने पहले क्लास के लिए निकल पड़ते हैं और यहाँ ये सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। क्लास स्टार्ट होने के बाद हम व्यूअर से देख पाते हैं कि उन तीनों की कोई तस्वीरें खींच रहा था और वो आदमी वो सब तस्वीरें लेके एक और आदमी को दिखा रहा था। यहाँ शालिनी बहुत ही ज़्यादा खुश थी एज उसे लगता था कि घर पर रह के वो रेस्ट्रिक्टेड थी, पर यहाँ आने के बाद वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती है। और ऐसा सिर्फ इसे नहीं बल्कि नीमा, गीतांजलि और आसिफा को भी लग रहा था। यहाँ आसिफा को किसी का कॉल आता है और वो उनसे बात करने के लिए बाहर चली जाती है और यहाँ हम व्यूअर से देख पाते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। यहाँ आसिफा उसे कहती है कि मेरे दो कज़न अब्दुल और रमेश तुमसे मिलने आएंगे और वो यहीं पास में रहते थे तो वो उन सबको बीच घुमाने के लिए भी ले जाएंगे। यहाँ अब्दुल और रमेश का भी उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा था और उन दोनों को देख के हमें ये लग रहा था कि वो नॉर्मल टीनेजर्स हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ हम व्यूअर से देख पाते हैं कि शालिनी थोड़ा थोड़ा रमेश को लाइक करने लगती है और यहाँ आसिफा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। फिर वो सब डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ पे कुछ डिबेट्स होते हैं जिनके बारे में इस वीडियो में नहीं बात कर सकता, मतलब थोड़ी रिलीजियस बातें हैं तो मैं इस वीडियो में वो कवर नहीं करने वाला। पर यहाँ हम व्यूअर से देख पाते हैं कि आसिफा दूसरे रिलीजन को बहुत ही नीचा समझती थी और अपने रिलीजन को सबसे ऊपर। समय आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि यहाँ उन चारों के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती बन चुकी थी। वह सब आसिफा के घर पे घूमने जाते और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे। यहाँ गीतांजलि और अब्दुल भी एक दूसरे के करीब होने लगते हैं और यहाँ मूवी के मेन पत्ते सामने आते हैं। दरअसल ये सब एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है और हम जैसे सोच रहे हैं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ा प्लान था। अगले दिन जब गीतांजलि और शालिनी हॉस्टल से बाहर जाते हैं तो तभी आसिफा किसी को कॉल करती है। उसके एक कॉल करते ही यहाँ गीतांजलि, शालिनी और नीमा को कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं। वह उनसे बदतमीजी से बात करते हैं और उनकी बहुत ही बड़ी लड़ाई वहाँ हो जाती है। और जब हॉस्टल आके इन सब के बारे में आसिफा को पता चलता है तो वो उन्हें कहती है कि आगे से उन्हें हिजाब पहन के बाहर जाना चाहिए, जिसके बाद उन्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। फिर अगले दिन से गीतांजलि और शालिनी यही करती हैं, पर नीमा ये सब करने के लिए राजी नहीं होती बल्कि वो कहती है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी पर हिजाब नहीं पहनूंगी। यह गीतांजलि और शालिनी के लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया था, वो बाहर घूमने जाते थे और बहुत ही ज्यादा मजे करते थे। यह गीतांजलि और अब्दुल के बीच और आसिफा और रमेश के बीच में अटैचमेंट बढ़ने लगता है और इसीलिए शालिनी और रमेश रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और अभी भी यहाँ नीमा इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर थी और यहाँ अभी भी आसिफा गीतांजलि और शालिनी को कन्वर्जन के लिए कन्विंस कर रही होती है और वो दोनों इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं। जब शालिनी छुट्टियों में अपने घर जाती है और उसे हिजाब में देख उसकी माँ को बिल्कुल भी अपने आंखों में विश्वास नहीं होता और उसके बिहेवियर में भी बहुत ही ज़्यादा चेंज आ गया था। घर आके वो सिर्फ रिलीजियस बातें करने लगी थी। छुट्टियों के बाद वो हॉस्टल वापस आती है और हमें पता चलता है कि गीतांजलि और अब्दुल भी अब रिलेशनशिप में रहने लगे हैं और अब तक गीतांजलि और शालिनी को ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने लाइफ का प्यार मिल चुका है और वो रेगुलरली अब्दुल और रमेश के घर पे भी जाते थे और वहाँ टाइम स्पेंड करते थे। यहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जो उन्हें बताती है कि वो अपना कन्वर्जन करने वाली है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसी से शादी करने वाली है, पर उसे इसके लिए कन्वर्जन करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़की को ज़रूर याद रखें। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें रमेश को दिखाया जाता है जो शालिनी को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसे सुनने के बाद शालिनी के होश ही उड़ गए हों, पर ये सब उन्हीं के प्लान के मुताबिक चल रहा होता है
और यहाँ आसिफा शालिनी को आइडिया देती है कि अगर वो रमेश से शादी कर ले तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इसके लिए उसे कन्वर्जन करना पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और यहाँ वो अपना कन्वर्जन भी करवा लेती है। वाओ, यह गीतांजलि और अब्दुल के बीच में भी सब कुछ अच्छा चल रहा था और वो दोनों शादी करने का भी सोच लेते हैं। इस टाइम पे गीतांजलि और शालिनी अपने नए रिलीजन को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुके थे और यहाँ गीतांजलि और शालिनी ने अपना रिलीजन कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। पर यहाँ जब अब्दुल गीतांजलि को दूसरे देश में जाने के लिए कहता है तो यहाँ गीतांजलि मना कर देती है, जिसके बाद अब्दुल उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देता है। इसके बाद गीतांजलि फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने पेरेंट्स के घर वापस चली जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। पर यहाँ बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। अब्दुल ने गीतांजलि की प्राइवेट पिक्स इंटरनेट पे लीक कर दी थी, जिसके बाद गीतांजलि अपनी जान दे देती है। यहाँ शालिनी को पता चलता है कि रमेश ने ये देश छोड़ दिया है। आज उसके लिए अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी क्योंकि उसने कन्वर्जन कर दिया था और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी। तो यहाँ उसे एक आदमी कहता है कि उसे किसी और से शादी कर लेना चाहिए और इस देश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना चाहिए। और इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए शालिनी ऐसा ही करती है। वो इरशाद से शादी कर लेती है पर उसे पता नहीं होता है कि अभी भी वो उनके जाल में फंसी हुई है। शादी के जस्ट खत्म होने के बाद ही शालिनी से मिलने उसकी माँ आती है। वो शालिनी से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ घर चली जाए। पर यहाँ जब शालिनी की माँ को पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है तो उनकी हिम्मत टूट जाती है। यहाँ इरशाद और शालिनी देश छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं। वो बहुत सारे मैप्स पढ़ते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी जानते हैं ताकि इंटरपोल वाले या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी उन्हें पकड़ ना पाए, और उन्हें फेक पासपोर्ट्स भी दिए जाते हैं। यहाँ शालिनी और इरशाद हनीमून मनाने के लिए बाहर किसी देश में आए होते हैं और यहाँ शालिनी को कॉल करती है निमा, जो अभी तक इस सब भसड़ से दूर थी। वो उसे बताती है कि गीतांजलि ने सुसाइड कर दिया है और ये सब सिर्फ एक प्लान है जिसमें शालिनी अब फंस चुकी है और उसे जल्द से जल्द वहाँ से आना होगा, वरना आगे उसके साथ जो होने वाला है वो शायद कोई भी रोक ना सके। और वो उसे ये भी बताती है कि रमेश ने देश नहीं छोड़ा है, वो अभी भी इंडिया में ही है। पर यहाँ शालिनी बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो इसके बारे में जाके इरशाद को बता देती है पर उसे यहाँ ये नहीं पता होता है कि इरशाद को इन सब के बारे में पहले से ही पता है। फिर यहाँ इरशाद शालिनी को लेके सायरिया आ जाता है। यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा अजीब थे, आपने दूसरी मूवीज में तो देखा ही होगा। यहाँ इरशाद शालिनी को अपने फैमिली के साथ मिलाता है, पर जब शालिनी इरशाद को फ़ोन मांगती है अपने मदर को कॉल करने के लिए तो इरशाद यहाँ उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है। और अब जाके शालिनी को पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े प्लान का शिकार हो चुकी है। यहाँ इरशाद किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। वो पहले शालिनी के ऊपर चिल्लाता, उससे टॉर्चर करता, फिर उससे आके सॉरी मांगता। फिर एक दिन इरशाद शालिनी को घर पर छोड़कर किसी काम के लिए बाहर जाता है। पर यहाँ शालिनी किसी तरह हिम्मत करके छुपते हुए उस शहर से बाहर जाने की कोशिश करती है, जहाँ दूर दूर तक वो सिर्फ फ़ोन खराबा ही देखती है। और ये सीन इतने ब्रूटल थे कि मैं अभी भी बोलते वक्त मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। यहाँ शालिनी का बच्चा होने वाला होता है और यहाँ उसे एक औरत मिलती है जो उसे बताती है कि फ़ोन रखना यहाँ पे बहुत ही बड़ा गुनाह है और जिसके पास फ़ोन होता है उसे यहाँ पे जान से मार देते हैं। फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ शालिनी का बच्चा पैदा हो गया था और बहुत दिनों से इरशाद घर नहीं आया था, तो इसीलिए शालिनी के पास अपने बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर वो यहाँ रिस्क लेके एक औरत से हेल्प मांगने जाती है और वो उसे कहती है कि उसे सिर्फ फ़ोन चाहिए सिर्फ 30 सेकंड के लिए। जब वो अपनी माँ को एक वॉइस मैसेज भेजती है, जब वो मेंशन करती है कि वो ठीक है और इसके साथ वो अपना लोकेशन भी बता देती है। फिर ये लोग वहाँ से थैंक यू कहकर जा ही रहे होते हैं कि हम व्यूअर से गन शॉट सुन पाते हैं, जिसका मतलब ये था कि इन लोगों की जिस औरत ने मदद की थी उसे जान से मार दिया गया। थोड़ी देर बाद शालिनी को पता चलता है कि इरशाद जान से मारा जा चुका है और उसे एक कैंप में ये कह के लाया जाता है कि यहाँ उसे इरशाद की बॉडी मिलेगी, पर यहाँ पे इरशाद मारा नहीं होता। और ये पूरी मूवी का सबसे शॉकिंग सीन था। यहाँ शालिनी को एक चैम्बर में रखा जाता है जहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी और उनमें से हर एक लड़की की वही स्टोरी थी जो शालिनी की थी। और यहाँ पे ये लड़की भी होती है जिसके बारे में मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। अगले दिन उन सबको दूसरे कैंप्स में ले जाया जा रहा होता है। यहाँ शालिनी ने मैप्स के बारे में कुछ पढ़ा हुआ था, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये उसका लास्ट चांस है यहाँ से एस्केप करने के लिए, और वह अगर इस बार भाग नहीं पाई तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो उसी दिन वो किसी तरीके से वहाँ से भाग जाती है और अपने साथ बहुत सारी लड़कियों को भी ले जाती है। वो अभी भाग ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से व्हीकल्स की आवाज़ आने लगती है, जिसका मतलब ये था कि उन लोगों ने शालिनी को ढूंढ दिया था और अगर इस बार शालिनी पकड़ी गई तो उसकी जान तो पक्की चली ही जाएगी।
वो पीछे से शूट करते हैं, जिसके बाद एक लड़की मारी जाती है। और ऐसे बहुत सारी शूटिंग के बाद सभी लड़कियां मारी जाती हैं, पर शालिनी किसी तरीके से यहाँ से बच के निकल जाती है। पर आजुस ने कितने दिनों से खाया नहीं होता है तो वो वहीं पे ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद एक अमरीकी ड्रोन उसे ढूंढ लेता है और वो प्रेजेंट में बैठ के अपनी स्टोरी सुना रही होती है अमेरिकन इंटरपोल के मिनिस्टर को, जहाँ उसकी बातों पे किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता, आज देश छोड़ने की मर्जी भी पहले उसी की ही थी, तो अभी सारे सबूत इसके खिलाफ थे। तो इसलिए शालिनी लास्ट बार अपने माँ को कॉल करती है, वो उसे बताती है कि मैं देश वापस आने की कोशिश कर रही हूँ और मैं वापस आपको कॉल बैक ज़रूर करूँगी। पर यहाँ पे शालिनी को पता था कि इसके बाद वो अपनी माँ से बात नहीं कर पाएगी, जिसके बाद उसे एक सेल दिया जाता है और उसके ऊपर कार्यवाही भी की जाती है। और इस वक्त उसे सब याद आ रहा होता है कि कैसे वो उस हॉस्टल में गई, कैसे उसने अपने दोस्त बनाए और अब वो कहाँ पे है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको एक और अच्छी सी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें, मैं ये वीडियो हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।